नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदीच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन चंदन और अभिनंदन है। सभी को जय हिंद है दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है संस्कृत यूपीटेट 2022, जो आपका 23 जनवरी को एग्जाम हुआ है, उसको संस्कृत विषय को लेकर के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन दूंगा कि किस किस प्रश्न का क्या उत्तर है। दोस्तों, आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस चलती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर। वहां पर दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लास शाम 8 से 9 होती है, एक क्लास 10 से 11 होती है, जिसपे मैं टेट कैटेगरी को ओरिएंटेड क्लासेस की तैयारी कराता हूं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे लिंक को, तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो आप रेफरल कोड में ऑडी10 डाल देना, AUDI10, तो आप रेफरल कोड से ज्वाइन कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस हैं, वहां पर आपकी रैंक भी डिसाइड हो जाती है और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं आप सभी लोगों से, अट प्रत्याहार के वर्ण कितने होते हैं? तो अट प्रत्याहार के मैं वर्णों की बात करूं तो अट प्रत्याहार में दोस्तों कौन कौन से होते हैं? सारे स्वर होते हैं, आ ई ऊ ळा, साथ ही साथ रिर रा लिल रा का ए ओ अंगा ऐ औ शा। तो ये कितने हो गए? ये सारे स्वर हो गए। फिर दोस्तों आपके आते हैं हा या वा रा टा। तो दोस्तों हा या वा रा, ये आपके अट प्रत्याहार में सारे स्वर और हा या वा रा। आपको पता है अंतिम वर्ण काउंट नहीं होता है, इसलिए आपके सारे स्वर और हा या वा रा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका रहा कि कारक में यदि प्रकृति क्रा है तो प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों यदि मैं कारक अक, जहां पर भी शब्द के अंत में अक बचे शेष, तो आप समझ जाना ऋल प्रत्यय की बात हुई है, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से अव्ययी भाव समास को लेकर के, तो प्रथम पद उपसर्ग होता है, अधि उप आ प्रति भर निर दुर जैसे शब्द आपको दिख जाएं, आप समझ जाना वह अव्ययी भाव समास है। आप समझ जाना वह आपका अव्ययी भाव समास है। आपका राइट आंसर अधिहरी हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से ख्यात है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से कौन ख्याति प्राप्त है? चतुर मतलब दोस्तों चार, विंशति मतलब 20 और सहस्त्र मतलब 1000। तो 20,000 प्लस 4 24,000 श्लोक किसमें हैं? तो ये आपके रामायण में है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से संयुक्त व्यंजन को लेकर के, तो छत्र ज्ञा और स्र, ये चार आपके दोस्तों होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा होती है दोस्तों स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल होने पर यदि कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उदाहरण के रूप में मैं बात करूं तो देखो का यानी कि स्वर रहित का है और शा मूर्धन्य शा स्वर सहित सा है, इसके मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है छा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ज्ञा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो 79 एक कम 80 79 179 सप्तति। तो 179 69 हो जाएगा
और ये सारे 79 रहेंगे। एक कौन आसित, एक कम 80, 79 उन आसित, 79 हो जाएगा पर नव सप्तति 79 हो जाएगा, लेकिन ये आपका एक कौन सप्तति, एक कम 70 69 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों? दिनेन पाठा पठति, दिने पाठा पठति, दिन पर्यंतम पाठा पठत, दिनाय पाठा पठति। दोस्तों इसमें हो जाएगा दिनेन पाठा पठिता, ए आंसर। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद हो जाएगा दिनेन पाठा पठिता, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, उपकृष्णम में कौन सा समास है, जहां पर उप आ निर आदि जैसे उपसर्ग आपको दिख जाए, आप समझ जाना ये अव्ययी भाव समास के बारे में बात हो रही है। ये अव्ययी भाव समास के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाए, उपकृष्णम, ए आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द की बात करें तो आपका हो जाएगा द्वौत्रिंशत, राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। त्रिंशत मतलब 30 और द्वय मतलब 2, तो 30 2 क्या हो गया 32, द्वौत्रिंशत आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पति शब्द का सप्तमी एक वचन की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर हरि के रूप जो होते हैं उससे विपरीत थोड़ा सा थोड़े हटकर के पति के रूप होते हैं, हालांकि इकारांत ये भी है और इकारांत ये भी है, लेकिन हरि के रूप और इसमें थोड़ा अलग होता है, थोड़ा चेंजमेंट होता है। तो पति शब्द का सप्तमी एक वचन की बात करूं तो पत्यो हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशु मुदकाया रोदिति उदाहरण किसका है, रुचर्था नाम प्रिमाणा का है या तदर्थ्य चतुर्थी बाच्या का है? तो शिशु मुदकाया रोदिति उदाहरण है तादर्थ्य चतुर्थी का, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, उच्च उदाहरण है अलिंग का, नियति लिंग का, अनियति लिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूं उच्च उदाहरण है तो उच्च अलिंग का हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, उच्च उदाहरण है अलिंग का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, ऊष्म वर्णों का बोधक कौन सा है? तो यदि मैं बात करूं ऊष्म वर्णों का बोधक को लेकर के, तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं वह आपके शल प्रत्याहार से बनते हैं, शा सा सा और हा, और आपका क्या हो जाएगा हल, रा सा 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 रा और हल, तो ये आपका क्या 3 वर्ण ये हो जाएंगे और 1 वर्ण ये हो जाएगा। तो शल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, पठानी रूप है, तो पठानी में रूप है पठ धातु, लिंग लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, लिंग नहीं भाई, इसमें दोस्तों हो जाएगा पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। पठानी में रूप हो जाएगा पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, छा मिलकर बना है, का और सा के मिल से, चा और सा से, या चा और छा से? तो दोस्तों छा जो है वो मिलकर बना है का और सा के मिल से, किससे मिलकर के बना है, का और शा के मिल से आपका छा बना है। इसको दोस्तों स्वर रहित व्यंजन का, स्वर सहित व्यंजन दोनों में दोस्तों ये नहीं होगा, एक में का इस तरीके से आएगा और ये सा पूर्ण हो जाएगा, दोनों में इसमें हलंत लगा दी, टाइपिंग एरर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वेष धर्म कहा जाता है?
तो श्री हर्ष की नैषधीय चरितम और विद्वेष धर्म कहा जाता है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा, ये शिव पदस्य अन्यर्थ कहा, तो शिव ये पैराग्राफ दोस्तों दिया गया था, उसी पैराग्राफ में शिव पद को अन्य अर्थ श्रृंगाल से लिया गया है। बी आंसर सही हो जाएगा। वही दोस्तों मैं बात करूं गद्य खंडे नहीं गद्य खंडे लिखा टाइपिंग इधर है, गद्य खंड में प्रश्न प्रचिते कौन प्रश्न पूछता है, तो लक्ष्मया लक्ष्मी प्रश्न पूछती हैं, ए आंसर सही हो जाएगा। कयो संलापा सर्वेशा मंगलाय भवतु, तो संलाप सर्वेशा मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप मंगलाय भवतु, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो रा में दोस्तों ला और रा होता है, हल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार है, लेकिन ला प्रत्याहार नहीं है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 11, 2, 5 या 8। दोस्तों मैं बात करूं बाह्य प्रयत्नों को लेकर के, तो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या होती है वो आपकी 11 होती है, और अंतः प्रयत्नों की संख्या की बात करें तो 5 होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मनोरथ का उदाहरण क्या हो जाएगा, यदि मैं मनोरथ का संधि विच्छेद करूं तो हो जाएगा मनह और रथ मिलकर के मनोरथ बनेगा। विसर्ग से पहले यदि आपका आ या आ जाए और विसर्ग के बाद यदि आपका किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या रा ला वा हा आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो दोस्तों क्या होता है कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग से पहले जो आ या आ होता है वो हटता है, और दोस्तों क्या होता है साथ ही साथ जो आपका विसर्ग होती है वो हटती है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान का कारक है, रुचिर्था नाम प्रिमाणा, चतुर्थी संप्रदाने या स्प्रे रिक्षिता। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, इस पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है तो इसको मैं रोक देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से है, तो यण प्रत्याहार की मैं बात करूं या रा ला वा, ये आपका दोस्तों क्या होता है अंतःस्थ वर्ण होते हैं, अंतःस्थ वर्ण होते हैं ये यण प्रत्याहार, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों ये, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, महम संस्कृतम महाम महाम संस्कृतम रोचते संस्कृतम रोचते, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मान्य, तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा, दोस्तों ये प्रश्न ट्विन वन है, ट्विन वन से तात्पर्य है पहले इसको संस्कृत में अनुवाद करना है और उसके बाद कर्मवाच्य में बदलना है, तो मैं बाजार जाता हूं अहम आपणम गच्छामि, तो ये आपका कृतवाच्य में बन जाएगा, लेकिन आपको बनाना है कर्मवाच्य में, तो मया आपणम गम्यते, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये पा धातु में कत प्रत्यय लगकर रूप लगेगा, दोस्तों आप लोगों ने कत प्रत्यय से एक ट्रिक याद कर रखी होगी ता ती अंति, लेकिन दोस्तों ये एक पा धातु में एक अपवाद समझ लीजिए, एक अलग तरीके से बनता है लोप होता है, तो इस प्रकार आपका पकवा बनेगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये पचन पंचनवती, पंच मतलब पांच और वती ही मतलब 90, तो 5 और 9 95, बी आंसर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अवयव शब्द समूह कौन सा है? सर्वत्र, अधुना, उपरी, ये आपका अवयव शब्द है। और सारे दोस्तों अत्र, तत्र और तस्य दोस्तों ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। सह से ये आपके सर्वनाम है, नमा सह ज्येष्ठम, तो कहीं ना कहीं तीनों शब्द नहीं सर्वनाम है, लेकिन ऊपर जो ऊपर आपका सर्वत्र, अधुना, उपरी दिया है, ये आपका अवयव दिया। अवयव वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक काल पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को रीट का 2022 का एक बैच मिल रहा है। आपको पता है 14 से 15 मई को एग्जाम लगा हुआ है रीट का, 20,000 प्लस वैकेंसी है, सीटेट और यूपीटेट पास ना भी हो तो भी चल जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी का एक बैच लॉन्च हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। 26 जनवरी से बैच स्टार्ट है। क्यों आप ज्वाइन करें अनअकैडमी दोस्तों? तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए मैं बताऊं आपको, अपने फेवरेट एजुकेटर की टीम से पढ़ पाओगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, वही मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि सीट अनअकैडमी इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एंड रीट एंड ऑल स्टेटेट की तैयारी आप कर पाएंगे मात्र वन सब्सक्रिप्शन, यानी एक टाइम पेमेंट करने पर, वन टाइम पेमेंट पर आप इतने सारे कोर्सेस को पढ़ पाएंगे। अलग अलग कोर्सेस होते हैं, अलग अलग एजुकेटर पढ़ाएंगे, लेकिन फीस आपको एक ही बार पे करनी है। 6 मंथ की फीस 567 रुपए और 1 ईयर की फीस 729 रुपए। रेफरल कोड आपको डालना है AUDI10, ऑडिटेन आप सभी लोगों को रेफरल कोड डालना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको CDP, EVS, मैथ की जो सोल्यूशन है वो देने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।